तो न्यूटन के सर पे एप्पल गिरने के बाद क्या हुआ था? तो फ्रेंड्स आज हम ये जानेंगे कि यार न्यूटन जो सर इसाक न्यूटन थे उनके सर पे एप्पल गिरने के बाद क्या हुआ था जिसकी वजह से यार इतनी बड़ी ग्रेविटी और फिजिक्स के फॉर्मूले डिफाइन हुए। तो आज थोड़ी सी अलग हटके वीडियो होने वाली है दोस्तों। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं अवर मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। तो फ्रेंड्स यार मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको ऐसी वीडियोस बार बार मिले। तो फ्रेंड्स यार हम आगे बात करते हैं न्यूटन के बारे में, जिनको पूरी दुनिया सर इसाक न्यूटन के नाम से जानती थी। दोस्तों ये अपनी दुनिया के अपने समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट है, सबसे बड़े साइंटिस्ट कहा जाता है इन्हें। इनका जन्म दोस्तों 4 जनवरी 1643 में हुआ था यूके में, लंदन में दोस्तों। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो मरे थे, तो 31 मार्च 1727 को इनकी डेथ हुई थी दोस्तों। कैलकुलस में जो हम पढ़ते हैं मैथ्स में, और जो न्यूटन के 3 लॉज है वो दोस्तों इन्होंने ही दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिफाइन करी थी अपने समय में, और इसीलिए इन्होंने अब तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट एम्बिशियस जिसे साइंटिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एप्पल के बारे में, एप्पल ट्री के बारे में। तो जब वो गिरा था तो क्या हुआ था? तो फ्रेंड्स दरअसल हुआ ये था, जो न्यूटन सर थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बाहर गए थे चिल आउट करने के लिए। तो दोस्तों बाहर जाते उस समय यार कुछ ज़्यादा होता तो था नहीं, तो वो पेड़ के नीचे बैठ गए थे दोस्तों। पेड़ के नीचे बैठ के ऊपर फलों को देख रहे थे, तो साथ ही साथ उनके दिमाग में ग्रेविटी के बारे में भी चल रहा था यार उसी एट द सेम टाइम पे, कि यार ये ग्रेविटी होती क्या है। तो वो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे थे, लेकिन दोस्तों क्या पता था किस्मत उन्हें कहाँ ले जाने वाली थी और हमें इतना बड़ा फॉर्मूला मिलने वाला था। तो दोस्तों सोचते सोचते उनके सर पर एक जो एप्पल होता है वो आगे गिरा था, जैसे हम सभी को पता है। तो यार वो आश्चर्य हो गए, उन्हें ऐसा लगा कि एप्पल अगर पेड़ से टूटा है तो वो नीचे क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। तो उनको एकदम से आइडिया आया कि यार अर्थ की ग्रेविटी जिसको हम 9.8 कहते हैं, उस ग्रेविटी ने अपने फोर्स ला के एप्पल को अपनी तरफ खींचा है, ना कि दूसरी तरफ आसमान ने खींचा, जबकि ज़मीन ने उसको एप्पल को खींचा है, जो अर्थ ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स वहीं से उनको ये एक फॉर्मूला ड्राइव होने वाला था और उन्होंने सबको जाके बताया अपने फ्रेंड्स को। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ उनको ऐसा भी लगने लगा, जो गलत फहमियों ने थी, कि जैसी एप्पल आ रहा है वैसी और कोई प्लैनेट जैसे मून को हमारी अर्थ खींचती है और अर्थ को हमारा सन खींचता है। उनको दोस्तों ये गलत फहमी होने लगी थी कि जैसी एप्पल को हमारे अर्थ ने खींचा वैसी मून को हमारी अर्थ खींचती है और अर्थ को अपना सन खींचता है। तो दोस्तों इनको ऐसा लग रहा था। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जो एप्पल ट्री था वो अभी भी अलाइव है। कुछ लोग कहते हैं यार कि वो एप्पल ट्री अभी भी इस लाइफ में अलाइव है, और उसको करीब 350 साल हो चुके हैं उस ट्री को दोस्तों, ये मानना है। जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि यार वो ट्री बहुत ही साल पहले एक स्टॉर्म में चला गया था और उजड़ गया था 1816 में, जो एक बहुत खतरनाक जो तूफान आया था उसमें वो एप्पल ट्री चला गया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं लोग कि अभी भी वो एप्पल ट्री मौजूद है यूके में ही, और वो वैसे का वैसे है जैसे सर इसाक न्यूटन के समय पर था। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो थी, तो आप मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी मेरी, और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि दोस्तों अगर वो इंसिडेंट्स नहीं होता और एप्पल नहीं गिरता सर इसाक न्यूटन के सर पे, तो यार ये इतनी बड़ी ग्रेविटी और इतने सारे फॉर्मूले हमें कभी मिल पाते। दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।